गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल तिल के लड्डू। उसके लिए हमको चाहिए आधा किलो तिल ऑब्वियसली, और तकरीबन 300 ग्राम गुड़, काजू, बादाम, इलायची और गाय का घी 2 चम्मच। चलिए शुरू करते हैं। अब हमको इसके अंदर तिल डालना है जिसको हमको ड्राई रोस्ट करना है, तो तिल डाल देते हैं। तो अब हम इसको ड्राई रोस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। मैं आपको मिलता हूँ इसके ड्राई रोस्ट होने के बाद। तो हमें इसके गोल्डन ब्राउन होने तक हमको इसको रोस्ट करना है। ओके, तो अभी थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हमको इससे ज़्यादा नहीं करना है, कुक नहीं करना है, वरना तो हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ओके, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमारे तिल भून चुके हैं, निकाल भी दिया मैंने सारे। उसके बाद अब हमको गुड़ को पिघलाना है, तो उससे पहले वो गैस ऑन कर लेनी है, सिम पे रखना है और उसके अंदर घी डालना है। और अब हमको इसके अंदर गुड़ डालना है जो तकरीबन हमारा 300 ग्राम है। ओके, फाइनली हमारा गुड़ पिघल चुका है और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे गैस बंद करके। तो अब हमारा गुड़ जो है ठंडा हो चुका है और अब हमको इसके अंदर अपने तिल डालना है, और इसमें से हमने थोड़ी सी तिल को कूट लिया था, तो अब हम इसके अंदर तिल डाल देते हैं। ओके, मैंने इसके अंदर ये डाल दिया और इसके बाद अब हमको इसके अंदर काजू और बादाम डालना है और इलायची भी। तो अब हम इसको जल्दी मिक्स कर लेते हैं। ओके, ये फाइनली मिक्स हो चुका है और अब हमको इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। ओके, मैंने निकाल लिया है और हमको इसको थोड़ा सा ही ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, और इसको हमें वरना अगर ज़्यादा ठंडा किया तो ये सख्त हो जाएगा। और हमको अपने हाथों में घी लगा के इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर देने हैं। लड्डू जो है तैयार हो चुके हैं और आप इसको 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, और ये पूरे विंटर चल सकते हैं। और इंजॉय करें इसको, और इस वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।